टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच भारत और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच बारबाडोस के ब्रजटाउन में स्थित कैंसिंगटन ओवल में खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया ने बाजी मारकर 11 साल से चले आ रहे आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को खत्म किया। वहीं भारतीय टीम ने 17 साल के बाद टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। टीम इंडिया ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए। बता दें, सूखी और धीमी पिच पर पावर प्ले में 34 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने जोरदार वापसी की और टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। इस पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए। विराट कोहली ने 59 गेंदों पर 76 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया की तरफ से मिले 177 रनों के जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 169 रन ही बना सकी और भारतीय टीम ने 7 रनों से यह मैच अपने नाम किया। ये 3 तस्वीरें जहां पर पहली तस्वीर में टीम इंडिया जीत के बाद जश्न मनाती नजर आई, हरदीप सिंह और विराट कोहली डांस करते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तस्वीर वो मौका जब भारतीय टीम ने टी20 विश्व कप की ट्रॉफी उठाई। वहीं तीसरी तस्वीर जिसने हर भारतीय क्रिकेट फैंस को एक तरफ गौरवान्वित किया, वहीं दूसरी ओर यहां पर फैंस निराश भी नजर आए क्योंकि रोहित और विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये उनका आखिरी टी20 मुकाबला था, इसके बाद से दोनों ही खिलाड़ी टी20 फॉर्मेट में खेलते नजर नहीं आएंगे। सत्रह साल बाद भारत ने दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को धूल चटाई। इससे पहले 2007 का वो मौका था, साउथ अफ्रीका में ही भारतीय टीम ने पहली बार टी20 वर्ल्ड कप जीता था। पाकिस्तान को हराकर 5 रनों से पाकिस्तान को मात दी थी, जिसके बाद से भारतीय टीम ने पहली बार 2007 में टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती थी। 17 साल बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो दूसरा मौका आया जब भारतीय टीम ने 7 रनों से जीत दर्ज कर इतिहास में नाम दर्ज करवा दिया।